देख रहे हैं न्यूज टीवी इंडिया। महाशिवरात्रि पर देश भर के साथ ही जैसलमेर में भी अनेक शिव मंदिरों में पूजा अर्चना हुई और मंदिरों में विशाल जनसमूह शिवमय होता हुआ दिखा। विधिवत मंदिरों में रुद्राभिषेक भी हुए, लेकिन जैसलमेर से 15 किलोमीटर दूर जैसलमेर रियासत की पूर्व राजधानी लोद्रावा गांव में एक ऐसा प्राचीन शिव मंदिर है जहां सदियों से शिव की पूजा अर्चना नहीं होती है। कहते हैं मोहम्मद गौरी जब भारत आया तो वो इसी रास्ते से आया था और इसी मंदिर में मूर्ति को खंडित कर दिया था। हिंदू मान्यताओं के अनुसार खंडित मूर्ति की पूजा नहीं होती है, इसलिए आज भी यहाँ विराजे शिव भगवान अपने भक्तों का इंतजार कर रहे हैं। हालांकि गांव के लोगों मंदिरों में जाते हैं और शिव जी के आगे दिया धूप करते हैं, मगर विधिवत पूजा अर्चना आज भी यहाँ नहीं की जाती है। जैसलमेर में भाटी वंश का राज रहा है, मगर भाटी वंश से पहले जैसलमेर में परमार वंश का शासन था। कहते हैं परमार वंश शिव के उपासक थे। जैसलमेर में कई जगहों पर उनके द्वारा शिव मंदिर बनवाए गए हैं, लेकिन समय समय पर आक्रमणकारियों द्वारा मंदिरों को तोड़ा गया। मोहम्मद गौरी जब भी भारत आता तब वो रास्ते में आने वाले सभी मंदिरों को तोड़ता जाता था और उसके द्वारा ही शिव मंदिर भी तोड़ा गया। ग्रामीण अजीत सिंह लोद्रावा बताते हैं कि जैसलमेर में जब महारावल जैसल का शासन था उस समय साल 1178 में मोहम्मद गौरी ने आक्रमण किया था और इस दौरान कई मंदिरों को तोड़ा गया था। इसमें लोद्रावा का ये शिव मंदिर भी शामिल था और उसके द्वारा लोद्रावा सुना हो गया। लोद्रावा में मूमल की मेड़ी, जहां से भारत पाक के मूमल महिंद्रा की प्रेम गाथा जुड़ी हुई है, उसके आसपास ही पुराना शिव मंदिर है। इस मंदिर में चतुर्मुखी शिवलिंग जिस पर भगवान शिव का चेहरा उकेरा हुआ है। प्रतिमा खंडित होने से यहाँ पूजा पाठ नहीं किए जाते हैं, लेकिन शिव रात्रि के दिन गांव के लोगों द्वारा यहाँ आकर भजन कीर्तन करते हैं, मंदिर के आगे दीपक जलाते हैं। जैसलमेर से जगदीश गोस्वामी की रिपोर्ट, न्यूज टीवी इंडिया। जैसलमेर से 15 किलोमीटर दूर पश्चिम में स्थित लोद्रा गांव, जो कि किसी समय जैसलमेर की प्राचीन राजधानी हुआ करती थी, वहां पर एक चतुर्मुखी शिव मंदिर स्थित था। कहते हैं 1178 में जब मोहम्मद गौरी सोमनाथ को लूटकर गुजरात से वापसी आ रहा था, तब उसने इस मंदिर को भी नहीं छोड़ा और उसने उसको तोड़ा। ये चतुर्मुखी शिव मंदिर है जो कि प्रथम शिव मंदिर नेपाल में स्थित है और पशुपतिनाथ का, और दूसरा ये लोद्रा में स्थित है चतुर्मुखी। आज भी इस मंदिर को खंडित हो जाने के कारण से इसकी विधिवत पूजा अर्चना नहीं की जाती, लेकिन गांव के कुछ लोग यहां पर अभी भी जाते हैं, पूजा पाठ आदि धूम ध्यान थोड़ा बहुत जो दिया धूप करते हैं। महाशिवरात्रि के दिन बहुत से शहर से और बाहर से लोग आते हैं इसको देखने के लिए, और यहां पर अभी भी कोई स्थापित शिवलिंग आदि नहीं है और ये अभी भी जर्जर अवस्था में है। पुरातत्व विभाग के अंडर में यह मंदिर आता है। ताज़ा न्यूज अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। न्यूज टीवी इंडिया पर।